हमीरपुर में कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसान और बागवानों को फसल की चिंता सता रही है। बारिश न होने से सूखी ठंड ने भी जोर पकड़ लिया है, जिससे लोगों को भी सर्दी जुकाम और बुखार से जूझना पड़ रहा है। कुल मिलाकर मौसम की मार से किसान से लेकर आम आदमी भी परेशानी के दौर में है। गौरतलब है कि जिला में ज्यादातर किसान गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं की बुआई के लिए 15 नवंबर तक समय बहुत ही अनुकूल रहता है, लेकिन बारिश न होने के चलते किसान की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अधिकांश किसानों ने खेती की बुआई के लिए बीज व खाद खरीद कर रख ली है। आसमान में बादल तो छाए हैं, परंतु बारिश की फुहारे न गिरने से किसान वर्ग बहुत ही चिंतित है। हालांकि जिला भर के हिस्सों में बारिश की कुछ बूंदें तो पड़ी हैं, परंतु इन बूंदों से जमीन की परत भी गीली नहीं हो पाई है। किसान अमित कुमार और विजय कुमार ने बताया कि अगर समय रहते बारिश न हुई तो ऐसे में खेतों की बुआई भारी भरकम खर्च कर खरीदा गया बीज खेतों के सूखने से खराब हो जाएगा। बारिश न होने से खेत पूरी तरह से सूख गए हैं। अगर जल्द बारिश न हुई तो दोबारा से बिजाई करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बारिश की कमी के चलते गत साल भी फसल कम हुई थी और उन्हें काफी नुकसान हुआ था। बीज लगाया जमीन में, तब से हमें मतलब बारिश न होने के कारण हमें बहुत दिक्कत आ रही है। और एक दूसरी बात यह है कि जब से 10-15 दिन से ठंड जो है बहुत ज्यादा हो गई है, उससे ये ठंड जो है ये इससे बीमारियां बहुत ज्यादा पैदा हो रही हैं। ये ठंड खुश्क ठंड है, इसका जो है ना इसका मतलब सभी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और बीमारियां जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हम परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि बारिश जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि किसानों को भी उसका फायदा मिले और ये जो ठंड है इससे भी थोड़ा मतलब हमें राहत मिले। तो आपने देखा है कि आधी फसल जो हमारी जो है वो निकल चुकी है और आधी जो है वो अभी तक निकली नहीं है। तो क्या बोलते हैं, फसल अगर बारिश हो जाती है तो हमारी फसल जो है वो क्या बोलते हैं निकल भी जाएगी और क्या बोलते हैं अच्छी फसल होगी इससे भी। पर मैं यही कहूंगा कि अगर बारिश हो जाती है तो क्या बोलते हैं हमारी फसल अच्छी होगी, और पिछली बार भी क्या बोलते हैं बारिश नहीं हुई थी तो हमारा फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इससे जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं भैया हमारे लिए। मैं यही कहूंगा कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों बूढ़ों और फसल पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्या और क्या बोलते हैं एक तरह से जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं कि देसी ठंड है, खुश्क ठंड, इससे जो है वो बच्चे बूढ़े यहाँ तक कि पशु भी बीमार हो रहे हैं। और अगर बारिश हो जाती है तो हमारा जो है वो क्या बोलते हैं फसल भी अच्छी होगी और ये जो जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी भैया। बारिश न होने से अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शुष्क मौसम से लोगों को सर्दी जुकाम बुखार गले की बीमारियां हो रही हैं। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में तैनात डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों में खांसी जुकाम बुखार आदि रोग होते हैं। उन्होंने कहा कि ठंड में एहतियात बरतनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में जो ज्यादा हमारे पास मरीज होते हैं वो होते हैं खांसी जुकाम या गला दर्द, जिसकी वजह से जो है वो पहले तो लगता है कि छोटी सी बीमारी है लेकिन वो गंभीर बीमारी भी बन सकती है, वो हमें निमोनिया या लंग इन्फेक्शन की तरफ ले जा सकती है। तो इसलिए लोगों को ठंड का मौसम शुरू हो गया है, बच्चों को मफलर और बुजुर्गों को भी मफलर और ताकि गर्म कपड़े अच्छे से पहने ताकि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि इस मौसम में जो ठंड के जो मौसम होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो होती है बच्चे और बुजुर्गों की, जिनको ठंड का असर ज़्यादा रहता है। ठंड के मौसम में जो है मरीजों की जो है आजकल ठंड का जो मौसम होता है वैसे स्वस्थ मौसम होता है और इसमें मरीज कम रहते हैं, लेकिन जिन मरीजों को सांस की तकलीफ रहती है या दूसरे फेफड़ों से कोई भी संबंधित बीमारी या जिनको दमा की शिकायत है या जिनको एलर्जी की, उनको चांसेस रहते हैं कि उनको इसमें इन बीमारियों के बढ़ने के चांसेस रहते हैं सर्दी के मौसम में। तो